एंड एडमिट कार्ड्स भी कब तक आएंगे ये भी मैं बताती हूँ आपको सो so, स्टूडेंट्स ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट मेंशन है 8 अगस्त यानी कि ये कल ही जो है रिलीज हुआ था ये नोटिफिकेशन और ये आया है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन यूईटी सेक्शन के साइड्स से. तो so, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है देख लेते हैं इसमें क्या क्या मेंशन है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे देखिए मेंशन है कि द रिवाइज यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल्स फॉर दी एडमिशन टू वेरियस अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के भी कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स ठीक है कोर्सेज ऑफ हिंदू यूनिवर्सिटी हैज बीन अनाउंस द एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एल एल बी बी एड बड स्पेशल कोर्सेज बी पी एड बी एफ एंड बी पी एज शेड्यूल्ड इन दी फर्स्ट फेज़ ठीक है स्टूडेंट्स जो जो फर्स्ट फेज़ है उसमें सारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एल एल बी बी एड बी एड स्पेशल एजुकेशन जिनके भी एग्ज़ाम्स uh, जो है इन कोर्सेस से रिलेटेड थे बी पी एड से रिलेटेड थे बी एफ ए है बी पी ए है ये सारे ही फर्स्ट फेज़ में कंडक्ट होने वाले हैं स्टूडेंट्स और आपके एग्जाम्स होंगे अगस्त ट्वेंटी फोर्थ से लेकर थर्टी फर्स्ट तक ये फर्स्ट फेज़ है एंड दी अदर फेज जो कि सेकेंड फेज़ है वो सितंबर में कंडक्ट होने वाला है स्टूडेंट्स ये कौन से कोर्सेज के लिए सेकेंड फेज में एग्जाम्स होंगे हम यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए बीए ऑनर्स आर्ट्स एंड बी ए ऑनर्स सोशल साइंसेज देन बी ऑनर्स एंड बी फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो है वो ठीक है बी ऑनर्स एग्रीकल्चर बी एल जो फाइव ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है वो ठीक है बी इन मैथ्स एंड बी ऑनर्स बायो शास्त्रीय नर्स एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ बी वर्क ठीक है विल बी हेल्ड इन द्यूरिंग द सेकेंड फेज जो कि सेप्टेंबर नाइन्थ टेंथ इलेवंथ एंड फोर्टीथ ये चार डेट्स याद कर लीजिए स्टूडेंट्स इन्हीं में से चीज किसी चार डेट्स में आपके ये जितने भी यहाँ मेन्शन है ना बी से लेकर शास्त्री तक ये जितने भी कोर्सेज हैं इनमें से किसी भी दिन आपके एग्जाम्स हो सकते हैं नाइन्थ टेंथ इलेवंथ एंड फोर्टीनथ ये चार ही डेट्स हैं सेप्टेम्बर के सेकेंड फेज़ में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एंड इसका जो शेड्यूल है प्रॉपर शेड्यूल ये आपको जो है जो सेकेंड फेज में जितने भी कोर्सेज का एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है ये आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा बाय सेवनटीन्थ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी यहाँ पर देखिए मेंशन है एंड स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा एडमिट कार्ड कब तक आने वाला है मेरा ये कोर्स है मेरा ये फेज़ है बिल्कुल भी परेशान मत होइए आपकी जो भी डेट रहेगी एग्जामिनेशन डेट हमेशा उससे एक हफ्ते पहले जो है आपके एडमिट कार्ड्स रिलीज़ हो जाते हैं पहले भी ये चीज़ यू बुलेटिन में आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं कि एडमिट कार्ड जब भी जो है आपका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होने वाला होता है उस डेट से एक हफ्ते पहले आपको बिल्कुल आपके एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे और अगर नहीं मिलते हैं स्टूडेंट्स तो उसके लिए बी एच की हेल्पलाइन है आप वहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सो so, स्टूडेंट्स ये तो इम्पॉर्टेंट है कि आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है तो कौन से फेज में कंडक्ट होने वाला है और एडमिट कार्ड्स कब तक आएंगे ये तो मैंने आपको बता दिया जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज दैट कि आपका जो एग्ज़ाम है स्टूडेंट्स ये एक पेंडेमिक के बीच में कंडक्ट होने वाला है सो so, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स कि आप बिल्कुल जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें उस दिन क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसी जगह पर जहाँ पर और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे आपके सेंटर पर एग्जामिनेशन सेंटर आपका जहाँ पर भी आपने जो है फिलअप किया होगा या बीच में जो चेंज करने का ऑप्शन आया था उसके अपने चेंज भी किया होगा सो so, स्टूडेंट्स एक ही जगह पे बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है एंड आप प्रॉपर जो है जितने भी सेफ्टी uh, मेजर्स uh, बताए गए हैं वो सारे जो है उनको बिल्कुल सेफ्टी गाइडलाइंस को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा एंड साथ ही साथ एग्जाम के साथ साथ ये भी चीजें अपने बिल्कुल ध्यान में रखी स्टूडेंट्स एंड एंड मैं अपने चैनल के थ्रू स्टूडेंट्स आपको बहुत ही जल्द टिप्स एंड ट्रिक्स टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स भी प्रोवाइड करोगे एंड एग्जामिनेशन के टाइम में ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आप किस तरह से अपना जो है टाइम मैनेज करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर सके फिर भी आपके पास टाइम बचा हो इस तरह की जितनी भी स्ट्रैटेजीज मैंने हमेशा इंप्लीमेंट की है वो सारी मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगी स्टूडेंट्स और बहुत ही जल्दी आपके लिए जो है वन थाउजेंड एम सी क्यूज़ ऑन कॉमर्स मैं वो सीरीज़ uh, प्रोवाइड करने वाली हूँ स्टूडेंट्स तो आपके पास वन थाउजेंड एम सी क्यूज होंगे प्रैक्टिस करने के लिए सो यून फॉर दैट एंड अभी भी अगर की कोई क्वेरी हो कोई ऐसा इशू हो जो रिजॉल्व नहीं हुआ इस वीडियो के थ्रू भी तो मुझे बताइएगा कि किसी भी तरह की अगर आपको कंफ्यूजन है रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रिगार्डिंग एडमिट कार्ड या रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स आप मुझे बिल्कुल मेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी जो है क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं मैं आपको बिल्कुल वहां पर रिप्लाई करूंगी एंड स्टे होम स्टे सेफ स्टूडेंट्स एंड स्टे टून टू माई चैनल एज वेल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर येपरेशन एंड हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स